Hello friends, welcome to my channel Sanchita Craft Shop. If you are an English viewer, then please read the subtitles because rest of the video will be Hindi. Namaste dosto, swagat hai aapka mere channel mein jiska naam hai Sanchita Craft Shop. Yahan main upload karti hu wo sabhi creative cheezein jo main khud banati hu. Jaise ki fabric painting, glass painting, clay modeling, 3D mural, best out of waste, crochet, knitting, cross stitches, thread works, texture painting, Indian folk art, DIY, होम डेकोर, बोतल आर्ट, ज्वेलरी मेकिंग और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ एक सिंपल व्हाइट सीमेंट वॉल हैंगिंग जिस पर मैंने मधुबनी पेंटिंग बनाई है। मधुबनी पेंटिंग भारत की बहुत ही प्राचीन कलाओं में से एक है और मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने व्हाइट सीमेंट के ये दो प्लेट्स बनाए हैं और उन पर फिश मधुबनी पेंटिंग बनाई है। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। तो वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हमें चाहिए व्हाइट सीमेंट, एक पानी की बोतल, एक बाउल जिसमें मिक्स करेंगे, दो प्लास्टिक के प्लेट्स, इसमें मैं सीमेंट का मिक्सचर डालूंगी। ये प्लास्टिक की पाइप है, इसे दो टुकड़ों में काट लेती हूँ। इसका यूज करके मैं होल्स बनाऊंगी वॉल हैंगिंग्स में, और एक स्पून सीमेंट को मिक्स करने के लिए। अभी मैं 5 स्पून सीमेंट डाल रही हूँ, ये बस एक अंदाजे से ही ले रही हूँ। इसमें पानी मिक्स करेंगे। तो अब इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मिक्स कीजिए, ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। देखिए मिक्सचर बिल्कुल बन गया है, मैं बस अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। अब ये प्लास्टिक के जो प्लेट्स मैंने लिए हैं वॉल हैंगिंग बनाने के लिए, उसमें से अच्छे से सीमेंट को फैला देंगे। ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और फिर अच्छे से इसको डैप कर देंगे ताकि अगर कोई एयर बबल हो वो निकल जाए। फिर पाइप्स को डाल देंगे होल बनाने के लिए। इस तरह से दोनों प्लेट्स में सीमेंट डाल दिया है और पाइप भी डाल दिया है सूखने के लिए, और 24 घंटे के लिए सुखा लिया है। ये देखिए सूखने के बाद ऐसा लग रहा है। अब साइड से बस प्लास्टिक को धीरे धीरे से छुड़ा दीजिए और उल्टा करके डैप कर दीजिए, तो ये आराम से निकल आएगा। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी छुड़ा लिया है। अब दोनों को मैंने अच्छे से सैंड पेपर से रगड़ दिया है। तो चलिए अब पेंटिंग का प्रोसेस शुरू करती हूँ। सबसे पहले पेंसिल से ड्राइंग बना लेंगे। यहाँ मैंने एक डब्बे का ढक्कन लिया है पहले आउटलाइन बनाने के लिए। मधुबनी पेंटिंग की खासियत यही है कि इसमें डबल बॉर्डर्स होते हैं, तो एक और लाइन बना लेती हूँ। उस बॉर्डर के अंदर सीधी सीधी लाइनें बना दूंगी। फिर यहाँ पर डूम शेप्स बना रही हूँ। अब एक सिंपल फिश बना रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग्स में मछली समृद्धि, उर्वरता और प्रचुरता का प्रतीक है और सौभाग्य लाने के लिए भी माना जाता है। इस पूरी पेंटिंग में मैंने जो भी कलर्स यूज किए हैं उन सभी के नाम मैं आगे वीडियो में दिखाती रहूंगी। मैंने इस पेंटिंग में सिर्फ एक्रिलिक कलर्स ही यूज किए हैं, फेविक्रिल और कैमल ब्रांड के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
अब मैं यूज कर रही हूँ एक सीडी मार्कर। पहले मार्कर पेन से फिश की आउटलाइन और अंदर के डिजाइन्स बना लेंगे। फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर से बॉर्डर को दोबारा बना लेंगे। आप पेन का यूज छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्टली कलर से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो खाली बैकग्राउंड है, इस जगह को भरने के लिए मैं यहाँ कुछ पत्ते बना रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग की एक और खासियत ये भी है कि यहाँ कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। बैकग्राउंड को भी छोटे छोटे फूलों, पत्तों या किसी छोटे डिजाइन्स में भर दिया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डू समथिंग क्रिएटिव एवरीडे। थैंक यू।